बदायूं लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे बदायूं भाजपा नेता बीएल वर्मा ने कहा कि हमने 2019 में धर्मेंद्र यादव को सपा बसपा की गठबंधन के बाद भी इस सीट पर हराया था और इस बार भी हम 2 लाख की लीड के साथ इस लोकसभा सीट से दुर्विजय सिंह शाक्य को सांसद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 365 दिन भूत पर काम करते हैं और जिस तरह से आदरणीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जो देश के लिए और जनता के लिए काम करते हैं, उसमें हम बड़े विश्वास से कह सकते हैं कि 80 की 80 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हम 80 पर कमी खिलाएंगे, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा।